हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरद। हमारा चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए, मैं अभी एक घर बन रहा है, इसका जो है यहां पे फर्स्ट अभी पुटिंग हो चुका है। अभी फ्रेंड्स इसका सम टैंक बन रहा है। ये सम टैंक कैसे बनाना है और नीचे किस तरह का उसका प्रोसीजर क्या है। फ्रेंड्स ये ब्रिक्स में बन रहा है, कैसे बनता है और आपको कैसे बनाना चाहिए इसी वीडियो में मैं आगे आपको दिखाता हूँ। फ्रेंड्स अगर हमारे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए सम टैंक का पास आपको लेके चलता हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये जो है सम टैंक है, ये फ्रेंड्स इसका जो लेंथ है 10 फीट है और इसका जो विड्थ है 7 फीट है और इसका जो हाइट बनेगा 8 फीट का हाइट बनेगा, 8 फीट का। फ्रेंड्स इसका जो कैपेसिटी है 16,000 लीटर का कैपेसिटी का टैंक बन रहा है। और दूसरा चीज़ क्या है, इसको हम ब्रिक्स में बना रहे हैं, ये आरसीसी का टैंक नहीं है, ये जो है ब्रिक्स में बन रहा है। फ्रेंड्स इस तरह का दीवार बनाने के बाद जो इसका जो नीचे का जो बेस है, फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो नीचे का जो बेस है, बेस का जो एक कॉर्नर साइड में जहाँ पे मोटर को डालना है और उसको जहाँ पे टैंक का अंदर उतरना है वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एक एक स्टेप दिया गया और उसको जो है 2x2 का एक डाउन बना गया। क्यों बना गया फ्रेंड्स, जिसका जो टैंक का पूरा नीचे का जो स्लोप है बिल्कुल वो डाउन की तरफ देना है, जहाँ पे 1.5 फीट डाउन हुआ है। क्योंकि जब भी टैंक खाली करते हो तो एक ही टाइम में जिसका स्लोप अगर उस लास्ट कॉर्नर को दे दिया तो वो पानी उधर से सभी खींच लेगा, तो टैंक आपको खाली हो जाएगा। कभी भी टैंक क्लीन करने के लिए, जब आप टैंक को क्लीन करने के लिए देखोगे तो ये सब में टैंक में पानी नहीं रहेगा, क्योंकि उतने ही का अंदर पानी रहेगा, क्योंकि जो 4-5 बकेट पानी रहेगा उसको निकाल के आप क्लीन कर सकते हो। इसके लिए कभी भी दूसरा चीज़ क्या है, सम्प अगर पूरा खाली हो गया, अगर आपने सबमर्सिबल डाला तो सबमर्सिबल हीट नहीं होगा, जिसके वजह से सबमर्सिबल पानी में डूबा रहना चाहिए, अगर वो ऊपर रहेगा तो मोटर का वगैरह पर प्रेशर आता जल जाएगा। इसीलिए कभी भी वो इस तरह का बनाए तो उसका अंदर अगर मोटर रहा तो कभी मोटर को रिस्क नहीं है। तो इस कभी भी अपने सम्प टैंक बनाते हो घर में, एक कॉर्नर में 1 फीट हाइट डीप होने दो, चाहे 2 फीट डीप होने दो, एक कॉर्नर में थोड़ा डाउन बनाना और उसके जो नीचे का जो पूरा बेस है उसको एक तरफ को स्लोप दे देना, ताकि वो जो डाउन बनाया उसको स्लोप दे देना, ताकि जब भी आपका पानी खाली हुआ तो ये सम्प में से जाके उधर नीचे आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो सम्प टैंक का जो नीचे का बेस है, इस तरह का बहुत सारी जगह में क्या होता है, एक ही लेवल बना देते हैं, जिसके वजह से दिक्कत होता है। जब भी टैंक खाली करना है बहुत सारी पानी को वेस्ट करना पड़ता है, तो अगर हम इस तरह का डाउन बनाए तो पूरा पानी खाली हो जाएगा, जो 2-4 बकेट में पानी रहेगा उसको उठा के क्लीन कर सकते हो। फ्रेंड्स ये ध्यान रखना, कभी भी घर का ऐसे सम बनाते हो तो इस तरह का ही बनाना है। अगर ये हमको क्या है, पूरा 8 फीट हाइट होगा, हाइट होने के बाद इसको वाटर प्रूफ कैसे बनाते हैं, किस तरह से वाटर प्रूफ किया जाता है और उसका वीडियो जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाता हूँ। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक तो फ्रेंड्स एक जरूर करना।